क्या आपने कभी सोचा है, हम इंसान डीप सी में आसानी से सांस ले पाते तो क्या होता? ऐसा रियलिटी में होता तो बहुत सी चीजें मुमकिन होती। अगर आपको डीप वाटर डाइविंग पसंद है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्विम कर सकते थे। उसके सिवा आप डीप सी में एक अनोखा नजारा देख पाते जो बहुत ही खूबसूरत होता है। डीप सी में जाना बहुत ही मजेदार और एडवेंचरस होता है, लेकिन जैसे फिशेस को पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, उसी तरह अगर हम भी गिल्स से सांस लेते तो उससे हमारे रोज के जीवन पे कैसा असर पड़ता, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समंदर की गहराई में रहने का विचार बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इंसानों का शरीर एक्वाटिक लाइफ को सूट नहीं करता। हमारे बॉडी में फैट्स और हेयर कम होने के कारण गहरे समुद्र में रहना मुश्किल होता है। उसके सिवा पूरा दिन स्विम करने के लिए हमारी बॉडी इनएफिशिएंट है, इसीलिए अगर आप कुछ घंटे भी स्विमिंग करते हैं उससे बॉडी पेन होने लगती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि समुद्र के इतने सारे पानी के बीच होते हुए आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिस कारण बॉडी में से हीट कम होने लगती है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्लियर डीप ओशन में स्विमिंग करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन डीप ओशन में सिर्फ कुछ 100 मीटर नीचे हम सबमरीन के प्रोटेक्शन बिना रह सकते हैं। उससे नीचे गहरे समुद्र में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। समुद्र के ऊपर आप पानी नॉर्मल टेम्परेचर तक फील कर सकते हैं, पर समुद्र की गहराई में पानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ठंडा होता है। इसके सिवा हम गहरे समुद्र में कुछ बोल या सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आँख और कान हवा में काम कर सके वैसे नहीं है। एक बार आपके लंग से पूरा एयर निकल जाने पर वोकल कॉर्ड्स वॉइस में प्रोड्यूस कर पाएंगे। सारी बातों को देखते हुए ये पता चलता है कि गहरे समुद्र में काफी टाइम रहना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी बॉडी समुद्र के एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर सकती, जिस कारण काफी तकलीफें होंगी। सभी बातों के तरफ ध्यान न देते हुए समुद्र में रहना पॉसिबल होता तो हम कभी कभार कुछ अनोखे अनुभव कर सकते थे। लेकिन अगर हम समुद्र में रह पाते तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता कि हम ओशंस को पॉल्यूट नहीं करते। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।